इस मॉड्यूल में हम फाइलम इकाइनोडर्म्स की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास होलोथुराइडिया के जनरल करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे क्लास होलोथुरडिया इज़ अ ग्रीक वर्ड कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स होलोथोरियन सीक कम्बर ऑयडा फ़ॉर्म यानी इस क्लास के अंदर वो एनिमल्स होंगे जो कि सीक कम्बर की शक्ल के होंगे और अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 1500 स्पीशीज़ जो हैं दे आर मौजू इसके अंदर प्रेजेंट हैं और उनमें कॉमनली जो है इसको हम या इसके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक हम नाम यूज़ कर देते हैं दैट इज़ सीख कम्बर अब सीख कम्बर जो हैं दे आर नॉर्मली प्रेजेंट एट ऑल डेप्थ्स इन द ओशियंस वेयर दे क्रॉल ओवर द हार्ड सबस्ट्रेट्स और बरो थ्रू द सॉफ्ट सबस्ट्रेट सीख कम्बर जो हैं जैसे पहले हमने क्लासेस में पढ़ा कि एनिमल्स जो है दे माइट हैव देयर आर्म्स बट सी कम्बर्स आर हैविंग नो आर्म एज देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड दे आर एलोंगेट अलोंग द ओरल एबोरल एक्सेस दे नॉर्मली लिव ऑन वन साइड विच इज यूजली फ्लैट एंड एज अ परमानेंट वेंट्रल साइड गिविंग दैम आ सेकेंडरी बायलैटरल समिट्री अब इसमें ट्यूब फीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बट दे आर सराउंडिंग द माउथ एंड आर एलोंगेट और इस कंडीशन में उनको हम ट्यूब फीट नहीं बल्कि एक और नाम दे देंगे टेंटेकल्स अब ज़्यादातर अडल्ट जो है अगर इनकी हम लेंथ देखें दिस रेंज इज बिटवीन टेन टू थर्टी सेंटीमीटर दिस इज सीक कम्बर बिलोंगिंग टू क्लास हॉलोथरीडिया इसमें आप देखें स्पाइंस मौजूद होंगे इट इज़ ककम्बर लाइक और इसमें ट्यूब फीट की बजाय टेंटिकल्स मौजूद इस डायग्राम में सीक ककम्बर्स जो कि क्लास होलोथराइडिया का रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको कलेक्टिवली हमने नाम दे दिया सीक ककम्बर्स का दीज आर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल कलर्ड एनिमल्स लिविंग इन द मेरीन इन्वायरमेंट वाई दे आर नेम्ड एज सीक Cucumbers, you remember these, these, these are normally the vegetable eaten by mostly in different parts of the world. Here, sea cucumber is usually red in color, it is having spines throughout its body. Here is its mouth present, it is also having two ends or two axes, oral aboral axis. This animal is not having any arms as we described in sea urchins and brittle stars but this will be having the process of regeneration also here body is uh, having all systems mouth is present digestive system is present this will also have its gonads but here tube feet are not present tube feet is given another name in case of sea cucumbers known as tentacles but they play the same role as was done by the tube feet, digestive system, circulatory system, nervous system, and reproductive system, and its development system. All these are same as we described in previous classes of phylum Echinodermata.